बचा पटी वी नो अबाउट द इंडिया इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स है इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज किए जाते हैं आप हर एक स्टेट पे जाओगे लाइक like, महारा जब आप महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र में देखोगे आपकी मराठी लैंग्वेजेस यूज होता है आप जब जाओगे गुजरात में देर इज गुजराती लैंग्वेजेस तो हर स्टेट का अपना एक लैंग्वेजेस है एंड लैंग्वेजेस हैं उनके कल्चर्स भी हर किसी के डिफरेंट है अब कल्चर अगर डिफरेंट है तो वो सीक्वेंस वाइज में फॉलो कैसे होता है लाइक like आप अगर नेक्स्ट जनरेशन अगर आप सिखा रहे हो कि यस ये भी मराठी बोले तो अब वो कैसे आप सिखाओगे क्यों सिखाओगे एक्चुअल में वो सिखाना क्या है एक ट्रेडिशन है फॉर एग्जाम्पल जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र का एक फेमस फूड है क्या पूरण पोली राइट तो पून पोली क्या है कल्चर है कि यस महाराष्ट्र पीपल का वो कल्चर है पूरन पोली स्वीट्स लाइक कि अगर आपके कोई भी कल लाइक ओकेशन हो रहे हैं तो वहाँ पे पूरन पोली बनना चाहिए बट अब नेक्स्ट जनरेशन को कैसे पता चलेगा कि ये पूरण पोली बनना चाहिए क्यों बनाए वो तो एक्चुअल में मार्ष्टन या फिर किसी भी स्टेट में अगर वो आ, सीक्वेंस को फॉलो किया जा रहा है कल्चर के सीक्वेंस को फॉलो किया जा रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा ट्रेडिशन हो जाएगा जैसे नवारी साड़ी फॉर वुमेन इट्स एंड ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र, ओके? Okay? सो so, आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में ट्रेडिशन कैसे आया और कैसे फॉलो हुआ हिस्ट्रोग्राफी का मतलब हमने चैप्टर नंबर वन में देख लिया है अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर वन को नहीं पढ़ा है तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है चैप्टर नंबर वन का यू कैन गो एंड वॉच इट अगर आपको कोई डाउट है तो कॉमेंट में कॉमेंट करके आप पूछ सकते हो, आज okay? so, हम स्टार्ट करने वाले डेवलपमेंट इन वेस्ट देख ली अब हम देखने के ट्रेडिशन को कैसे हिस्ट्री में लिखा गया एंड हिस्ट्री कैसे इंडियन ट्रेडिशन पे बेस्ड है ये आपका लेक्चर वन क्यों किया गया बच्चा आपका जो ये चैप्टर है दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा लेक्चर वन एंड लेक्चर टू क्यों डिवाइड किया जाएगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा एंड हिस्ट्री ऑल वी नो कि थोड़ा बोरिंग होता है पढ़ने में सो so, इसकी वजह से आई थॉट कि टू लेक्चर्स में इसे हम कंप्लीट करेंगे ओके सो लेट्स स्टार्ट टू सेशन माई नेम इज नीलेमा रॉय एंड आई एम गोइंग टू टीच यू सोशल साइंस सो बच्चू पार्टी ज्वाइंट टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर वन का नोट्स डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो कहां पे मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा शुभम झा टेलीग्राम चैनल ओके आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे शुभम झा क्लास टेंथ और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का आप वहां पे भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको नोट्स मिल जाए हर एक चैप्टर लेक्चर जैसे ओवर होगा आपका आपको नोट्स मिल जाएगा लाइक like की जैसे आप अभी लेक्चर नंबर वन देख रहे हो तो इसका नोट्स जब लेक्चर नंबर टू हो जाएगा फिर आपको ये सेकेंड चैप्टर का नोट्स मिल जाएंगे ओके okay? चलो मूविंग नेक्स्ट सो इस चैप्टर में आपको टोटल टू टॉपिक्स है काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स है इस दो टॉपिक्स का आपका बहुत सारा त, सब टॉपिक्स है ठीक है तो पहला टॉपिक आपका क्या है ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी ट्रेडिशन क्या है इंडियन हिस्टोग्राफी का इंडियन हिस्ट्रोग्राफी हिस्ट्रोग्राफी मतलब क्या होता है एक ऐसा नरेशन नरेशन के फॉर्म में जो हम लिखते हैं कोई नरेट करता है उसके थ्रू हम स्टोरी बनाकर लिखते हैं तो वो आपका हिस्ट्रोग्राफी हो गया तो इंडियन का हिस्ट्रोग्राफी कैसे लिखा गया था ट्रेडिशन के ऊपर सेकेंड इज इंडियन हिस्ट्रोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजी फ्रेमवर्क बहुत सारे लोग आए वेरियस आइडियाज दिया वर्क किया आइडियाज के थ्रू फ्रेमवर्क करके इंडिया के बारे में बताए गए बुक्स लिखे गए तो वो वो आपका हो गया सेकेंड टॉपिक सो सबसे फर्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले लेक्चर नंबर वन में दैट इज ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी इंडियन हिस्टोग्राफी एक्चुअल में इंडिया के टाइम पीरियड पहले हम देख लेते हैं थ्री टाइम पीरियड्स है एंशियट पीरियड मिडवाइल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड आई होप सो आप लोगों को पता होगा पीरियड पीरियड क्या होता है सबसे पहला जहां पे पे हमने फाइंड किया कि मतलब यहां पे भी पहले लाइफ थी लोग रहते थे क्या क्या चीजें क्रिएट uh, किया गया था लाइक like पॉट्स हो गए कॉपर प्लेट्स हो गए कहाँ से आयरन आया ये सारी चीजें हम एंशियट पीरियड में हमने देख लिया नेक्स्ट एंशियंट को रिलेट करते हुए हमने मॉडर्न पीरियड को देखा दैट इज मिडवाइल पीरियड को हमने देखा मिडवाइल दैट इज मिडियन पीरियड को हमने देखा मिडन मिडिल पीरियड को हमने देखा उसके बाद मिडिल पीरियड से रिलेटेड आपका क्या आ गया मॉडर्न पीरियड एक्चुअल में एग्रीकल्चर जो आया ना वो आपका मिडिल पीरियड में ही आया है उसके बाद हमने देखा क्या मॉडर्न पीरियड जो अभी तक फॉलो होते जा रहा है चलिए तो अगर आपको नहीं पता है एंशंट मिडवाइल और मॉडर्न तो आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना कि क्या होता है बहुत सारे वीडियोस हैं यू, यूट्यूब पे आप एक बार देख लेना एटलीस्ट ये तीन आपका क्लियर होना चाहिए एंशंट पीरियड क्या होता है मिडवाइल क्या होता है एंड मॉडर्न क्या होता है चलो मूविंग नेक्स्ट टॉपिक हिस्ट्रियोग्राफी इन दी एंशंट पीरियड आपकी क्लास टेंथ में जितना बताया गया है उतना मैं आपको आज बताने वाली हूँ बाकी अगर आपको ज्यादा समझना एंशेंट पीरियड क्या होता है कैसे आया तो वो आप बाकी के लेक्चर्स देख सकते हो ओके वो आपका देखो जब आप एक्चुअल में आप क्लास टेंथ में एस एस सी क्लास स्टूडेंट हो महाराष्ट्र बोर्ड के तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा टॉपिक कम दिया एंशियंट के बारे में बट जैसे ही आप जाओगे ना एनसीआर टी के थ्रू एनसीआर टी में ना क्लास सिक्स से लेकर के क्लास एट तक क्लास सिक्स में दे दिया एंशियंट क्लास सेवेंथ में दे दिया मिडवाइल क्लास एट में आपका हो गया मॉडर्न तो वो थ्री डिफरेंट पीरियड को तीन क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया बट ऐसा आप लोगों का नहीं है तो आप लोगों उसे डेप्थ में पढ़ना चाहते हो वो बच्चे जो भी लाइक गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं लाइक वो जाकर के जरूर पढ़ ले। ओके चलिए तो पहले हम पढ़ने वाले एंशियंट पीरियड क्या क्या जरूरी पढ़ना है आप लोगों को इस चैप्टर में एंशियंट पीरियड में बच्चा एक सील फाउंड किया गया था आप लोगों ने हरप्पन सील का नाम सुना है ठीक है हरप्पन का एक हरप्पन के टाइम में एक सील्स क्रिएट होते थे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इंस्क्रिप्शन किया जाता था इंस्क्रिप्शन के मत इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी स्टोन पे आपका रिटर्न मतलब स्टोन पे स्टोन से ही लिखा जा रहा है ठीक है तो वो आपका क्या हो गया ड्रॉइंग किया जा रहा है वो आपका एक एक इंस्क्रिप्शन हो गया गया okay? ओके तो वैसे सील फाउंड किया गया था के टाइम में जिसे हम लोग क्या कहते हैं हरप्पन सील्स कहते हैं ये आपका थर्ड मिलियम बीसीई में फाइंड किया गया था बीसीई का फुल फॉर्म हो गया बिफोर कॉमन एरा ओके बिफोर कॉमन एरा में आपका थर्ड मिलियम बी में फाउंड किया गया था हरप्पन सील्स हरप्पन लाइक like आपका जब हरपन का फाउंड हुआ था तो हरप्पन में एक सील तो totally रैंडमली कि बस पता लग गया कि ओके okay, सील्स है सील्स है बस एक कॉमनली किसी को पता चल गया ओके okay, ये सील्स है बट डेप्थ उसके ऊपर हमें कुछ भी पता नहीं चला बट एक चीज क्लियर हो गया था कि येस yes, पहले के लोग भी क्रिएटिव थे लाइक like,

ओके okay, तो ये आपका हरप्पन सील से हरप्पन सील्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कब कब फाउंड हुआ था थर्ड मिलियम बीसी में ये फाउंड हुआ था इस टाइम में कहा गया था कि इंडिया एक मास्टर्ड है आर्ट में आर्ट आर्ट फैक्ट्स में मास्टर्ड है सेकंड हम लोग आते हैं एक एम्परर था अशोका मौर्य एम्परर आप लोग को

किंग जिन्होंने स्टोन पिलर्स पे natural rocks पे उन्होंने क्या किया था इंस्क्रिप्ट करवाया था लिखा था वो अपना लॉज बताना चाहते थे वो अपना कल्चर्स बताना चाहते थे लोगों को अब लोग देखेंगे तभी तो समझेंगे ठीक है सुनने से तो समझ गए बट अब अगर वो देख देखते रहेंगे स्टोन्स पे कि ये इंस्क्रिप्शन था तो वो क्या हो जाएगा आपका लोग उसके बारे में जानेंगे यस अशोका के टाइम से ये फॉलो होते हुए आ रहा है जैसे आप देख लो नेशनल एल्बम तो नेशनल एल्बम कहाँ से आया था भाई अशोका के टाइम से आया था ये आप देख रहे हो ना ये अशोका के टाइम से आपका आया था ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट थिंग फर्स्ट सेंचुरी में और क्या क्या फाउंड हुआ था तो एक आपका इंस्क्रिप्शन हो गया इंस्क्रिप्शन किसके ऊपर फाउंड हुआ था बच्चा पार्टी तो वो है आपका कॉइंस मेटल्स स्कल्पचर yeah, स्कल्पचर मतलब हो गया कि जैसे आपके स्टोन्स हो गए या फिर आप कह लो कि रॉक्स हो गए उसके जो डिजाइन बनाए जाते थे या फिर स्टोन क्रॉप स्टोन्स और मार्बल नहीं आप कह लोगे कोई भी कॉपर का अगर कोई भी आर्टी आर्टिफैक्ट्स बनाया जाता था मॉडल बनाया जाता था तो उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्कल्पचर्स ओके नेक्स्ट इज ऑल्सो ऑन कॉपर प्लेट कॉपर प्लेट पे भी inscription found हुआ था हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट काफी इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हमेंट करता है कि उस टाइम में कौन से किंग्स थे कौन से कौन से डिफरेंट किंग्स थे डायनेस्टी क्या थी डायनेस्टी मतलब वो कौनसी किंगडम उस टाइम में थी जेनियोलॉजी क्या थे एंड ऑल्सो टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या था कहा से कहा मतलब ऑलमोस्ट नॉर्थ से या फिर इससे कहाँ से आपके कहाँ तक किंगडम एक्सटेंड हुआ हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को पता चलता है एम्पर का कै, कैस, emperor कैसे एम्पर कैसे फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रन करते हैं किंगडम्स के बारे में हम हमें पता चला एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में भी हमें पता चलता है किसमें फर्स्ट सेंचुरी सी में ओके सो सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट फेमिनिज एंड और मच मोर एक्सेट्रा मच मोर के बारे में हमें पता चलता है फर्स्ट सेंचुरी बीसी फर्स्ट सेंचुरी तक थर्ड मिलियन बीसी से तो अशोका का पीरियड आया था उसके टिल देन वन वन सेंचुरी तक हमें पता चला था कॉमन एरा चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन मतलब कि ऑथर्स या फिर फॉरनर uh, ऑथर्स वो आपका एक लिटरेचर हो गया लाइक like, अगर आप महाभारत महाभारत हमने देखा नहीं है बट हम महाभारत को कैसे समझे थ्रू विजन मतलब देख करके या फिर सुन करके तो आपका पढ़ करके ये रामायण महाभारत पुराण जैन बुद्धि बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये सब आप लोग ये सब क्या है एक इंडियन लिटरेचर है लिटरेचर के थ्रू हमें पता चला कि यस पहले के टाइम में भी लोग आते थे फॉरनर ट्रेवलर्स आते थे और वो आकर के भी यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में लिखते थे इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी लिखते थे देखो इंडियन हिस्ट्री के बारे में ना सिर्फ इंडियन ऑथर्स ने ही नहीं लिखा है काफी फॉरनर ऑथर्स भी थे जो आकर के यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखे ओके? सो so, हमें रामायण महाभारत पुराण, टेक्स्ट ये 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 क्या बताता है? ये अपना बताता है? है अपना कि ये अब इंडियन लिटरेचर इंडियन लिटरेचर है। तो थे जिसके थ्रू हमें पता चलता है इंडियन हिस्ट्री के बारे में and and also, टेक्स्ट, ये आपको याद होना चाहिए चलिए जो जो आपका है वो है this is, है वो वो चलो हम लोग देखते हैं हमारे किंग हर्षा के बारे। एक्चुअल में किंग हर्षा के बारे में एक बुक लिखी गई थी वो बुक थी हर्षाचरित वो कौन सी बुक थी हर्षा चरित सेवेंथ सेंचुरी में ये फाउंड हुआ था थ्री है इस पे वन बाय वन हम देखते हैं writing of the biographies of the kings and dynasties histories mark an important step in the history indian historiography biography किंग के बायोग्राफी एंड किंग की डायनेस्टी के बारे में जब एक इंडियन हिस्ट्री में लिखा गया है तभी हमें क्या पता चलता है इंडियन हिस्ट्रोग्राफी के बारे में पता चलता है इंडियन का इंडिया का पास्ट के बारे में हमें पता चलता है नेक्स्ट इज हर्षा चरित्र रिटर्न इन दी सेवन सेंचुरी बाय पाना भट्टा इन द किंग हर्षा बायोग्राफी हर्षा के बारे में किंग थे जिसके बारे में एक बुक लिखा गया था जिनके ऊपर वो कौन सा बुक है हर्ष चरित और कब लिखा गया है सेवन सेंचुरी सी में किसने लिखा है बाना भट्टर ने लिखा है या आपका क्वेश्चन आ सकता है फिलिंदम लैंग्स में एंड ऑल्सो जब आपको डिस्क्राइब करने के लिए कह दे राइट yes, ऑन right uh, हर्षा चरित तो आपको ये सारी चीजें डिस्क्राइब करनी पड़ेगी इस बुक में एक्चुअल में क्या बताने की, की कोशिश की गई है एक्चुअल में हर्षा चरित में बताने की, की uh, हर्षा का लाइफ कैसा था हर्षा के लाइफ कैसे थे उनका इकोनॉमिक कैसा था उस टाइम में उनका सोशल वर्क कैसा चलता था उनका पॉलिटिकल वर्क कैसा चलता था रिलीजियस वर्क कैसे करते थे कल्चर्स क्या थे उस टाइम में ये सारी चीजें बताई गई है कौन से बुक में हर्षा चरित्र बुक में किसने लिखा है बाना भट्टा ने लिखा है सेवन सेंचुरी सीई में ओके तो तो ये पॉइंट्स जब आपको पूछा जाए बिल्कुल तो याद रखना है अगर आप ये थ्री पॉइंट मिनिमम लिखते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेगा तो आपको ये याद रखना है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हेलो सुपर लर्नर्स आप लोगों के साथ मैं एक जरूरी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा

तो उससे यूजुअली आपको दस परसेंट का डिस्काउंट मिलता है लेकिन अभी क्योंकि अनलॉक ऑफर शुरू है जिसका आज आखिरी डेट है बाईस तारीख तो यहाँ पे आपको बीस परसेंट ऑफ मिल जाएगा क्लास नाइन से ट्वेल्व तक के सारे सब्सक्रिप्शन पे अब देखो अगर आप इस सब्सक्रिप्शन के तहत अगर आप इस ऑफर के तहत सब्सक्रिप्शन लेते हो तो लाइक अगर आप ट्वेल्व मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो जो यूजली आपको तेरह पे करना होता है आपको पे करना पड़ेगा अभी आज रात के बारह बजे तक लाइक बाईस तारीख तक ग्यारह हजार चालीस रुपए की विल सेव दिस अमाउंट टू सेवन सिक्स जीरो जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो जो क्रेडिट्स होता है उन क्रेडिट्स को भी यूटिलाइज करके आप सर्टन परसेंट का डिस्काउंट ले सकते हैं स्टूडेंट इन सभी चीजों को पाने के लिए आपको सिंपली बस एक कोड यूज करना है एसजे सुपर टेन और आप इस बेनिफिट का फायदा उठा पाएंगे एक और बात जब आप एक क्लास नाइन का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ट्वेल्थ फ्री मिलता है जब टेंथ लेते हो तो इलेवन ट्वेल्थ मिलता है जब इलेवंथ लेते हो तो ट्वेल्थ मिलता है मतलब जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आगे के स्टैंडर्ड्स आपको उनका एक्सेस फ्रीमियम मिल जाएगा

बॉक्स में लिखा गया है अगर आप देखोगे ऑरेंज कलर का या फिर येलो कलर का है सो, आ, सोहा ग्रोहा कॉपर प्लेट ओके ये एक्चुअल में ना बच्चा पार्टी आप जब देखोगे ना अशोका के टाइम में ही ये फाउंड हुआ था सोहा ग्रोहा कॉपर प्लेट ये एक ऐसा प्लेट है ना जिसपे आपके ब्राह्मणी ब्राह्मणी स्क्रिप्ट स्क्रिप लिखे गए हैं क्या लिखे गए हैं ब्राह्मणी स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन जो किया गया है वो किया गया है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब इंग्लिश e, के कैटेगरी में जैसे हम गो, गो पढ़ते ये कौन सी कैटेगरी में आता है हिंदी के तो ये आपका एक स्क्रिप्ट हो गया ठीक है तो आपका ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा गया था कॉपर प्लेट वॉज फाउंड प्लेट वॉज फाउंड गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश यूपी में आपका गोरखपुर है वहां पे कॉपर प्लेट सबसे पहला फाउंड हुआ था जिसका नाम है सोहाग्रॉप कौप, कॉपर प्लेट मोरियन पीरियड दैट इज आई साइड यू की अशोका के टाइम में ये फाउंड हुआ था ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में इसे लिखा गया था ऑल्सो इस ये जो सोहा प्लेट है इसमें क्या फाइंड हुए थे बच्चे इसमें डिफरेंट डिफरेंट आप देखोगे तो ट्रीज फाउंड हुए थे ट्रीज टेलिंग मतलब ट्रीज थोड़े थोड़े मूव कर रहे हैं माउंटेन्स फाउंड हुआ था एंड ऑल्सो आप देखोगे तो पंच मार्क कोइन का जो पंच मार्क है वो भी फाउंड हुआ था कि ये सबके सारे आर्टिफैक्ट्स एक आप कॉपर प्लेट पर पूरा का पूरा देखोगे तो इसको जरूर पढ़ लेना बच्चा पार्टी क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है ओके okay? इससे क्वेश्चंस आते हैं एंड जितने भी आपके बुक में वो बॉक्स में जो लिखा हुआ है उसे पढ़ के जरूर जाना सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ने से नहीं हो टेक्स्ट बुक के अंदर जो बॉक्स है डू यू नो आ, यू शुड नो ये सब जो सारी चीजें हैं वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए उसके थ्रू भी क्वेश्चन आते हैं चलिए अब हम लोग बढ़ते नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकेंड पीरियड में क्या हुआ था तो मिडवाइल पीरियड में आपका वचन एक कल्हाना थी, इत, एक बुक लिखा गया राज तरंगी द स्टाइल ऑफ राइटिंग इज राजी कश्मीर के एक कल्हाना थे इन, इनका नाम कलहाना है ओके इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या था तांगनी ज एक बुक था जिन्होंने किसके कि, किसने लिखा था कल्हाना ने लिखा था ट्वेल्थ सेंचुरी सी में इसमें बताया गया है मॉडर्न हिस्टोग्राफी अभी तक हमने एंशंट देखा ठीक है और ये मिडवाइल के पीरियड में बता रहे हैं मॉडर्न के बारे में कैसे मॉडर्न मॉडर्न पीरियड होगा मॉडर्न पीरियड आने के लिए मिडवाइल पीरियड में क्या क्या होना जरूरी है ये इन्होंने बताया है ओके तो कल्हा हिमसेल्फ सेड दैट ही रोट हिज टेक्स्ट आफ्टर द क्रिटिकल एग्जामिन ऑफ द वेरियस सोर्सेस लाइक द इंस्क्रिप्शन कॉइन्स रिमेन्स ऑफ द एंशियंट मोन्यूमेंट डेनेस्टीस रिकॉर्ड्स एंड लोकल ट्रेडिशन कल्हाना ने कहा कि उन्होंने सेल्फ ऑब्जर्वेशन कुछ मिडवाइल पीरियड में किया है जिसके थ्रू मॉडर्न पीरियड बनेगा जब तो लोगों को पता होना चाहिए उन्होंने क्या क्रिटिकल एग्जामिन किया है वो है हमारे उन्होंने इंस्क्रिप्शन को uh, को देखा को देखा एंड ऑल्सो बहुत सारे एंशंट के टाइम में जो मोन्यूमेंट्स बनाए गए थे लाइक like अशोका के टाइम में जो पिलर्स बनाए गए थे उसे फाइंड किया गया था अशोका की डायनेस्टी कैसी थी मोरियन का डायनेस्टी कैसा था गुप्ता डायनेस्टी कैसा था इसके बारे में फाइंड किया गया है एंड ऑल्सो लोग कल्चरल ट्रेडिशन के भी बारे में बताया गया था तो आपको अगर कोई पूछे कि कल्हाना ने रज तारंगनी बुक में क्या लिखा है तो उन्होंने लिखा है उन्होंने बस अपना एक एग्जामिन लिखा है एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिखा है लाइक like इंस्क्रिप्शन के ऊपर कॉइन्स के ऊपर एंशंट मॉन्यूमेंट्स के ऊपर डायनेस्टीज के ऊपर एंड आल्सो लोकल ट्रेडिशंस के ऊपर ओके okay? तो ये आपका हो गया कल्हाना के बारे में चलिए मूविंग फर्दर

पहले ही हिंदी नहीं आया था पहले आपके अरब से कुछ पीपल्स आए थे इंडिया में जिनके थ्रू क्या हुआ हिंदूस का नाम आया ठीक है इंडिया का नाम कैसे आया जरा फाइंड करना आपको पता चलेगा अरब से ही आया है सो अरबिक so, Arabic... परसियन लैंग्वेज सबसे पहले आए थे ठीक तो है, तो मुस्लिम रूलर्स लोग ने से एक, थे, जिनका नाम था बारानी, इन्होंने न, एक बुक लिखा है जिनका नाम है तारिक आज शाही ठीक है इसमें बताया गया है जैबुद्दीन बारानी के कहानी जैबुद्दीन बारानी के डायनेस्टी के बारे में बताया गया है किंगडम्स के बारे में बताया गया है Various,

अब कुछ अलग बताया जाए अलग क्या कि किंग ऐसा तो नहीं हमेशा जीतते हुए आए नहीं कभी तो हारे भी होंगे कभी फॉल भी हुआ होगा उनका डायनेस्टी कभी डायनेस्टी में कुछ गलत डिसीजंस भी लिए गए होंगे गलत पॉलिसीज बनाई गई होंगी तो उसके बारे में भी लिखी गई है तारिक आय शाही बुक में ओके तो एक तारक आय फिजुरशाही बुक किसने लिखा है तो वो लिखा गया जैबुद्दीन बारानी चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट हु इज ही ही इज बाबुर कौन है ये बाबुर है द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्परर तो मुगल एम्परर कहां से आया तो बाबुर ने लाया किसने लाया मुगल एम्परर बाबुर ने लाया तो बाबुर आए थे दूसरे कंट्री से बाबुर का एक एम्परर था जिसका नाम है मुगल एम्परर इन्होंने ही ओरिजिनेट और, किया था एंड ऑल्सो उनकी एक ऑटोबायोग्राफी एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था तुजुक आए बाबरी कौन सी बुक थी तुजुक आए बाबरी जिसमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने बैटल को फाउट किया है बैटल को फाउट किया है बाबुर ऑल्सो रिकॉर्डेड हिज मिनट्स ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेरियस रिलीजियस एंड सिटीज ट्रेवल्ड बाय हिम इन ंग दी लोकल इकोनॉमी, कस्टम एंड फ्लोरा बाबर की जो बुक है ताजुकाई बाबरी इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बताया गया है जैबुद्दीन बारानी के टाइम से ही थोड़ा चेंजेस आ गया था लाइक अब बुक में सिर्फ डायनेस्टी के बारे में नहीं डायनेस्टी में क्या डायनेस्टी कैसे फॉल हो रही है पॉलिसीज कैसे आ रही है पॉलिसीज क्या सही है या गलत है तो वैसे ही बाबुर के बुक में क्या देखा गया कि वेरियस वेरियस जो सिटीज़ उन्होंने विजिट किया है या फिर उनकी लोकल इकोनॉमी कैसी है उस प्रॉपर स्टेट की या फिर इंडिया की वो बताया इन्होंने कस्टम्स एंड एंड फ्लोरा के बारे में इन्होंने ही बताया था अपने बुक में तो बाबुर मुगल एम्प्रायर मुगल एम्प्रायर के फाउंडर कौन है बाबुर बाबुर ने बुक लिखा है कौन सा ताजुक आई बाबरी उसमें बताया गया है कि बैटल ऑफ बैटल फाउड बाय हिम ऑल्सो उन्होंने जो बुक में बताया वो वेरियस वेरियस उनका ऑब्जर्वेशन uh, है लाइक like, अगर दूसरे स्टेट में उन्होंने ट्रेवल किया है या फिर लोकल इकोनॉमी कैसी है कस्टम्स कैसा है फ्लोरा कैसा है ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है चलिए आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया है अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट दैट इज अबुल फैजल अबुल की एक बुक लिखी गई थी जिनका नाम है अकबर नामा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोग्राफी ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्ट्रोग्राफी है लाइक like, uh, अबुलजल के टाइम में एक बुक लिखी गई अबुल फैजल के नाम पर बुक लिखे गए जिसका नाम है अकबर नामा ओके okay, जिसमें बताया गया है कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो स्क्रूटनी इज लुक्न दिवोर्ड ऑफ बैस एंड रियालिस्टिक मतलब इन्होंने जो बुक में लिखा है कि कैसे एक रियलिटी को डॉक हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट है ये कैसे एक रियलिटी के बेस पे लिखा गया है जिसके थ्रू हम हिस्ट्री को पढ़ सकते ओके okay? तो दिस इज ये आपका काफी शॉर्ट में दिस इज इन वेरी शॉर्ट की बाब अबुल फैजल कौन सा बुक लिखा गया है एंड इस पे इम्पोर्टेंस क्या है ओके okay? नेक्स्ट हम लोग आते हैं भकड़ भकड़ एक आपका एक इंस्क्रिप्शन ही है ये भी आपका एक हिस्टोरिकल uh, डॉक्यूमेंट है ठीक है जो लिखा गया है भकर में एक्चुअल में लिखा गया है कि इंडियन जो थे एंड इन हिस्ट्री की इवेंट्स के बारे में बैटल्स के बारे में लाइफ ऑफ ग्रेट मैं बारे में लिखा गया है भकर सबका देर आर डिफरेंट डिफरेंट भकर जो आपका पहला भकर है वो है शबाशद भकर वो कौन सा है आपका शबाशद भकर शबाशद भकर रिटर्न बाय दी कृष्णा जी आनंद शबाशद ओके okay. आपको यह आ सकता है क्वेश्चन वेरियस टाइप ऑफ भकर तो वो है किसके बारे में लिखा है उन्होंने लिखा है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में वो किंगडम में किसके रहते थे छत्रपति शिवा छत्रपति राजा राम महाराज के किंगडम में रहते थे बट उन्होंने जो अः हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट लिखा था जिसका नाम शबाशिद भकड़ है उसमें किसके बारे में लिखा गया है शिवाजी महाराज के बारे में लिखा गया है ओके सो मूविंग फर्दर नेक्स्ट आपका आता है पानीपच्छी भकड़ नेक्स्ट आता है आपका भाव सायबांची भकड़ ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट भाकड़ से जिसके बारे में आपको बताया गया है भा साहेबान्ची बकड़ में आपके बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बताया गया है अनदर जो आपका बकड़ है वो है पानीपत बकर जिसका नाम ही पानीपत है तो आप समझ सकते हो कि इसमें भी पानीपत के बारे में ही बताया गया है देन आता है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दी होलकर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी मराठा मत देर आर दी डिफरेंट आप कह सकते हो हर किसी का अपना एक जैसे हम टाइटल देखते हैं ना महाराष्ट्र में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइटल यूज किया गया है होलकर लाइक ऑल्सो महाराज ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइट, टाइटल है तो ये जो आपका होलकर जो टाइटल है न, ये आपके, आ, होलकरांची के प्राकत बुक में बताया गया है ओके चलो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अभी तक हमने ये देख इंट्रोडक्शन देख लिया है हिस्ट्रोग्राफी इन दी आ, एंशियंट पीरियड मिडवाइल पीरियड एंड नेक्स्ट इन मॉडर्न पीरियड मॉडर्न पीरियड में क्या हिस्टोग्राफी थी सो इन दिस सेंचुरी सेंचुरी में एक ब्रिटिश रूलर थे जो इंडियन आर्कियोलॉजी के एक्सप्लोरेशन करते रहते थे वो इंडियन आर्कियोलॉजी में काफी इंटरेस्ट रखते थे चीजों को फाउंड करते थे उनके इंडिया के बारे में वो जानना चाहते थे तो वैसे ही हमारे एक डायरेक्टर जनरल थे ओके जिन्होंने बताया कि कैसे आपका हरपन सिविलाइजेशन आया था एंड उसे फाउंड किया गया था तो so एक बार हम इसे पढ़ते हैं द नंबर ऑफ द एंशंट साइट वर एग्जॉस्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ सर द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द जनरल आर्क्योलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सबसे पहले जनरल डायरेक्टर थे एंड उनका नाम क्या था सर जॉन मार्शल वॉज़ी सर जॉन मार्शल जिन्होंने फाइंड किया बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में एंड आल्सो हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में इन द 20th सेंचुरी में इन्होंने फाइंड किया था जिसे आप कह सकते हो टिल दी डिस्कवर किया गया था टिल दी थर्ड मिलियमम बीसीई चलिए बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट इज जेम्स मिल के बारे में हम देखने वाले जिन्होंने थ्री वॉल्यूम्स का बुक लिखा था बुक कौन सा था द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश द हिस्ट्री ऑफ द्रिटिस्ट इंडिया थ्री वॉल्यूम्स में लिखा गया है इंडियन हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री का सबसे पहला बुक है ये जो ब्रिटिश ने ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखा है वैसे तो इंडियन हिस्टोरियन ने बहुत सारा बुक लिखा बट फर्स्ट ब्रिटिश हिस्टोरियन जिन्होंने पहली बार इंडिया के ऊपर एक बुक लिखा है वो है हमारे जेम्स मेथ इन्होंने बताया कि इंडिया को काफी ऑब्जेक्टिव किया जाता था लाइक like, उनको ना ऑब्जेक्टिव प्रस्पेक्टिव किया जाता था जज किया कर दिया जाता था इंडिया पहले कुछ करने जाता नहीं था ठीक है उसको पहले ही जज कर दिया जाता था ये तो ऐसे ही होगा जज आप समझ रहे हो ना जो आप पहले ही जज कर चुके हो यस ये तो ऐसे ही होगा तो जज

ने एक बुक लिखा था जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिश आपका है 1841 में After the Mill बुक. तो इन्होंने भी बताया कि कैसे हिस्ट्री को क्रिटिस, इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाता था एंड प्रिज पहले ही कर लिया जाता था ये मुंबई के गवर्नर थे ओके जिसका नाम पहले बॉम्बे था आपको भी पता है ये चीज चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं फर्दर फर्दर आपका है सबसे पहले जो मराठा इंपर के ऊपर बुक लिखा गया था बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियन वो आपके कौन थे वो थे आपके जॉन डिप्स डिप्स ने सबसे पहला बुक लिखा था ओके द हिस्ट्री ऑफ द दस के बारे में जो बुक लिखा गया था देखो ये मराठास नहीं है Marathas है ठीक है तो कंफ्यूज मत होना कि हाँ यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है या फिर बुक में मिस्टेक तो नहीं है नहीं ये मराठाज है ठीक है तो जॉन डिफ ने बुक लिखा था वो एक ब्रिटिश ऑफिसर से बिलोंग करते थे एंड ऑल्सो उन्होंने मराठा हिस्ट्री के ऊपर बुक लिखा जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द मराठस ओके ये आपका सबसे पहले मराठा इंप्रर के बारे में इन्होंने बताया है इंडियन हिस्ट्री में कौन ब्रिटिश हिस्टोरियन नॉट इंडियन हिस्टोरियन सी बुक इज पब्लिश इन द्री वॉल्यूम थ्री वॉल्यूम में ये भी पब्लिश हुआ था एंड ऑल्सो इसमें इन्होंने बताया था कि इंडिया के कल्चर को कैसे ब्रिटिश क्रिटिसाइज करते थे एंड ऑल्सो उनकी हिस्ट्री जो भी थी उसे क्रिटिसाइज करते ठीक है चलिए सिमिलरली टेंडेंसी इज विस टू इन दल टॉर्स राइटिंग बाय अबाउट द राजस्थान हिस्ट्री तो कॉनियल टॉर्स जो थे इन्होंने भी राजस्थान हिस्ट्री के बारे में लिखा है तो अगर आपको कोई पूछ ले कि मराठा हिस्ट्री के बारे में किसने लिखा ब्रिटिश हिस्टोरियन तो वो है हमारे जर्नडिप्स एंड राजस्थान हिस्ट्री के बारे में किसने लिखा ब्रिटिश हिस्टोरियन तो वो है हमारे कॉनियल होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा ओके सो मूविंग नेक्स्ट द टू वॉल्यूम रिटर्न बाय विलियम विल्सन हंटर ऑन द इंडियन ट्रेडिशन शो सम ट्रीटमेंट ऑफ दि सब्जेक्ट दो वॉल्यूम की बुक लिखी गई थी बाय विलियम विल्सन दिलियम जिन्होंने बताया कि इंडिया को कैसे किया जाता है है ठीक एंड इम्पार्शियम्पार्शल उनके सब्जेक्ट पे उनको ट्रीट किया जाता है नीलकंठ जनार्दन कृत्यान एंड दी विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े इनो ये दो इंडियन हिस्टोरियन थे जिन्होंने जन टिप्स के बुक के बारे में क्या किया एक्सपोज किया लाइक कि जन टिप्स ने बताया कि यस ब्रिटिश ऐसा करते थे ब्रिटिश अच्छा भी सोचते थे बट ऐसा नहीं था ये एक्सपोज किसने किया वो किया गया बाय दी यू कैन से टू फ्रेंड्स दैट इज नील कंठर जनार्दन कृत्य ने एंड विश्वनाथ काशीनाथ जंडिप्स के बारे में अगर फिर से देख लो वो तुम्हें पता चल जाएगा कि यहां पे इन्होंने क्या किया था थ्री वॉल्यूम का बुक लिखा था ठीक है एंड इन्होंने बताया कि कैसे इंक्लूजन हो रहा है कन तो नीलकंठ जनार्दन ने एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े ने क्या किया इस सेंटेंस को गलत बताया ठीक है एंड उसके ऊपर वॉक किया उन्होंने एक्सपोज किया जेन डेफ्स को चलिए मूविंग फर्दर आते हैं यहाँ पे यहाँ पे आपका चैप्टर होता है फिनिश दैट इज फर्स्ट हमने देख लिया पहला टॉपिक दूसरा टॉपिक आपका लेक्चर नंबर टू में कवर होगा दिस आर दी सम क्वेश्चंस जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है अगर यहां तक आपने चैप्टर को अच्छे से देख लिया है लेक्चर को तो आप आंसर जरूर बताओगे ओके okay, इससे आपको थोड़ा सा कहते हैं ना बूस्ट होगा आपका मेमोरी की यस मैंने कुछ तो पढ़ा है चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज ताजुल आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ uh, देखो हिस्ट्री को जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में एक ही चैप्टर पढ़ लो इतना तुम लोग का कोई को पूरा uh, देखो हार्डली नाइन टू टेन चैप्टर है हिस्ट्री में ठीक है पूरा साल आपको पढ़ना है तो जरूरी नहीं है कि एक दिन में एक चैप्टर पढ़ो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जितना भी आने वाले हैं फर्स्ट टर्म में आपका जितना भी सिलेबस आने वाला है से थोड़ा पार्ट वाइज में पढ़ना शुरू कर लाइक की जैसे मैंने अभी आप लोग को लेक्चर नंबर वन लिया है तो इसमें जितने भी पॉइंट तक आप लोग को पढ़ाया गया है ठीक है कॉर्नलिस्ट वाला शुरू होगा तो अभी तक हमने जो एंशियंट मिडवाइल मॉडर्न ये तीन टॉपिक को कवर किया है उसे आप टेक्स्ट बुक में पढ़ो लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड ये नहीं कि सिर्फ और उसे पढ़ रहे पढ़ना एक बार आप रीड करो दूसरी बार उसे समझने की कोशिश करो तीसरी बार ना समझे वीडियो दे ठीक है और यहाँ इसका नोट्स आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा आफ्टर लेक्चर टू चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं भाव हाँ साहबी भकर डिस्क्राइब द बैटल ऑफ डैश पानीपत बक्सर पैसे एंड पटनम ओके थर्ड क्वेश्चन इज द इंस्क्रिप्शन टू फाउंड ऑन द कॉपर प्लेट फ्रॉम पीरियड एंड स्क्रिप्ट बारानी पाली इंग्लिश संस्कृत सो थ्री क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हो ओके यू कैन शेयर इट सो थैंक यू सो मच देर तक ने सुना आप लोगों को समझ में आया होगा उनको भी थोड़ा सब पढ़ने का मौका दो ठीक है अगर उनको भी डाउट आता है हिस्ट्री में या something, तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले नोट सब वहां पर मिल जाएगा ओके थैंक यू सो मच शेयर टू योर फ्रेंड एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना Soon, आपका लेक्चर नंबर टू आ जाएगा ओके okay? एंड उसके बाद हिस्ट्री के बाद हम लोग सिविक्स करेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर वन करेंगे उसके बाद फिर जोग्राफी करेंगे ओके सो थैंक यू सो मच सब्सक्राइब दिस चैनल